向对方发信息。हेलो गाइस, कैसे हो यार सब लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो वैसे यार गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि यार टाउन हॉल 10 पे पुशिंग करें, क्योंकि ये यहाँ पे अकाउंट देख सकते हो जो मेरे फ्रेंड का था। मैंने भी बीच बीच में थोड़े थोड़े अटैक्स किए, लेकिन मेरे को टाउन हॉल 10 के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। आपको ही पता है कि मैं 7, 8, 9 पे पुशिंग कर चुका हूँ एकदम अच्छे से, और 10 पे मैं सोचने वाला हूँ कि मैं करूँ या नहीं, क्योंकि मेरे पास ये आईडी है जिसपे फुल एकदम मैक्स ट्रूप्स है। यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 40 के किंग और क्वीन है। तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूँ टाउन हॉल 10 के रिलेटेड भी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि TH10 के बारे में भी वीडियो बनाओ अटैक स्ट्रैटेजीज पुशिंग के लिए। तो वैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं आईडी इसकी 5011 ऑल टाइम बेस्ट है। यहाँ पे लेजेंड लीग पुशिंग किया था बीच में फ्रेंड ने, और थोड़ा थोड़ा मैं भी बीच में अटैक करता था ताकि पता चले कि मतलब कैसे बेसिस मिलते हैं। तो बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि TH10 पे पुशिंग करूँ, क्योंकि मैक्स आउट बेस है यहाँ पे फिर, और देखते हैं यहाँ पे डिफेंसेस वगैरह भी इसके कैसे जाते हैं। डिफेंस 1 भी होते हैं क्योंकि मतलब फुल मैक्स बेस है, और ज़्यादातर 3-स्टार भी नहीं हो रहा, तो शायद से डिफेंस 1 भी मिल सकता है मेरे को। तो ठीक है, अभी चलते एक लाइव अटैक कर देता हूँ। तो वैसे गाइस, मैं यहाँ पे बेबीलून स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला हूँ जो मैं TH9 पे कंटिन्यू जो यूज़ करता था। तो यहाँ पे आप आर्मी देख सकते हो, मैंने 15 बेबी ड्रैगन यूज़ किया, एक ड्रैगन है, 10 बलून्स, 2 विजार्ड, और CC में मैंने गोलेम यूज़ किया, और 40-40 के किंग क्वीन है। तो मेरे को लगता है कि शायद से ना टाउन हॉल 12 पे भी 2-स्टार आ सकते हैं। तो देखते हैं अभी कोई अच्छा बेस मिल जाए जिसपे मैं अटैक करूँ। तो ये यहाँ पे गाइस परफेक्ट बेस मिला है मेरे को एक टाउन हॉल 12 का, तो मैं इस पर अटैक करने वाला हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो फुल एकदम कॉम्पैक्ट बेस लग रहा है और थोड़ा हार्ड भी लग रहा है। तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ इस पर कि मैं जो आर्मी यूज़ करता था TH9 पे वो TH10 पे वर्क करेगी क्या। तो ठीक है, अभी देखते हैं। डिफेंस तो ब्रेक हो जाएगी विदाउट एक अर्थक्वेक स्पेल, मेरे को लगता है मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, उसके जगह पर मैं हेस्ट ले सकता था ताकि हेस्ट के साथ मैं बलून्स को भी ये कर सकता था। तो देखते हैं आप वैसे कैसा होने वाला है आप अटैक। तो बेबीलून स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है TH10 के लिए भी, क्योंकि इस आर्मी से भी आप लेजेंड लीग तक पुश कर सकते हो, और मैं भी ये आर्मी ट्राई करना चाहता हूँ। तो गाइस वैसे करना यही है कि बस एक बेबी डालना है आर्चर टावर के पास, और 2 लून्स भी से पीछे से छोड़ने ताकि वो आर्चर टावर ब्रेक हो, और उसके बाद हम लोग डैमेज परसेंट क्लियर कर पाए। तो अभी देखते हैं, वैसे 25% तो हो गया, होप सो यार, मेरे को तो लग रहा है कि हो सकता है 2-स्टार, लेकिन देखते हैं अभी क्या होने वाला है। 30% लेवल 4 के बेबी ड्रैगन्स में बहुत डिफरेंस है, और लेवल 2 में बहुत डिफरेंस था जो मैं TH9 पे यूज़ करता था। और यहाँ पे एयर डिफेंस तो 2-2 अपग्रेड पे है, तो ये ज़्यादा इजी हो गया अटैक करने में। ट्रॉफीज़ तो यार बहुत कम है, छोड़ो यार ट्रॉफीज़ का तो जाने दो, मैं सिर्फ बेस देख रहा हूँ कि ये बेस कैसा है, और मेरे को ये अटैक करना है इस बेस पे। एक ड्रैगन भी मैंने रखा है, और देखते हैं अभी रेज स्पेल मेरे को कब डालनी पड़े। मिडल में डालता हूँ सारे ट्रूप्स अभी, और वैसे वॉल ब्रेकर भी अपने पास, तो शायद से मेरे को लगता है कि हो ही जाएगा वॉल ब्रेक। वैसे मेरे को लग रहा है सेकंड टाइम ही कर रहा हूँ, जब नया आया था वही यूज़ किया था और अभी कर रहा हूँ। तो देखते यार, वॉल्स तो बहुत मस्त एकदम फटाफट तोड़ देता है यार, भले ही वो मैक्स आउट हो तो भी चलता है। चलो हीरोस वगैरह भी डाल दिए, और रेज स्पेल तो गाइस अभी देखते कि वैसे क्या होने वाला है मेरा अटैक। 2-स्टार मेरे को करना है, 1-स्टार तो हो गया, और बहुत सारे बेसिस मेरे को ट्राई करने हैं ताकि मैं TH10 के पुशिंग के वीडियोस भी बना सकूं। पहले मुझे करनी होगी पुशिंग, उसके बाद में धीरे धीरे बना सकता हूं। तो चलो यार, फाइनली टाउन हॉल तो ब्रेक हो गया यहाँ पे इस बेस पे। TH12 का बेस था ये, लगभग हार्ड ही था, और 60% भी हो गया इस पे। तो ट्रॉफीज़ तो मेरे को लगता है 2-3 तो मिलेगी, बस ट्रॉफी से तो मतलब नहीं था, बस बेस से था, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए जल्दी से बेस मिला, इसलिए अटैक कर दिया। तो वैसे स्ट्रैटेजी तो ये काम कर गई, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरे को लग रहा है, और प्लस 2 ट्रॉफी मिली। तो ठीक है, मैं और भी गाइस ट्राई करूँगा कि अटैक के रिप्लेस वगैरह अपलोड करूँ, टाउन हॉल 10 की पुशिंग के बारे में बहुत कुछ बताऊँ, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो वर्क करती है एक्चुअली, और यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह भी सब बेस्ट है एकदम, और फुल मैक्स आउट है। तो देखते हैं मैं कितना मतलब पुश कर पाऊँगा। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था, होप सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, हम लोग 400 लाइक्स का एम करते हैं इस वीडियो के लिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।